वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं नेमी चंद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्निकल नेमी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जितनी भी प्राइवेट बैंक हैं, जैसे HDFC है, कोटक महिंद्रा बैंक है और ये एक्सिस बैंक है, इनके अलावा ICICI बैंक ने भी अब अपने UPI ट्रांजेक्शन पर चार्ज लागू कर दिया गया है, वो भी 3 मई 2020 से चार्ज लागू स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये चार्ज किस प्रकार लगता है और कितना लगता है और कितने ट्रांजेक्शन तक आपको फ्री रहेगा और कौन से ट्रांजेक्शन पर आपको चार्ज लगेगा, ये बिल्कुल आपको मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। तो दोस्तों, मैं उस ICICI बैंक का जो ऑफिशियल नोटिस है उसको आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से, उसमें क्या दिया गया और क्या नहीं। तो दोस्तों, मैं ICICI बैंक का ये नोटिस ओपन कर लिया है, ये PDF दी हुई है। इस PDF को मैं आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा दोस्तों, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इसमें बता दूँ, सबसे पहले दिया हुआ है, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है दोस्तों, विथ इफेक्टेड फ्रॉम 3 मई 2020। तो दोस्तों, आपको ये दिख रहा है साफ। और दोस्तों, इसमें ये लिखा हुआ है रिवाइज चार्जेस जो UPI ट्रांजेक्शन के। तो दोस्तों, इसमें लिखा है UPI ट्रांजेक्शन चार्जेस, सर्विस का नाम लिखा हुआ है और एग्जाइटिंग और दूसरे चार्जेस नीला है। तो दोस्तों, इसमें आपको सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आप ICICI बैंक के थ्रू UPI ट्रांजेक्शन के थ्रू आप इसमें 20 ट्रांजेक्शन तक, यानी 20 ट्रांजेक्शन तक आपको पर मंथ, यानी हर महीने आपको 20 ट्रांजेक्शन तक बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसमें लिखा हुआ है 0 चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन अप टू 20 ट्रांजेक्शन पर मंथ, यानी एक महीने में आप 20 ट्रांजेक्शन फ्री कर सकते हैं। देन उसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, फ्रॉम द 21, यानी 21वां ट्रांजेक्शन आप करोगे तो दोस्तों आपको 1000 रुपये तक, यानी कि आपको 1000 रुपये या उससे कम तक आपको 2.5 रुपये, 2.5 रुपये, 1000 रुपये के प्रति आपको देना पड़ेगा। और दोस्तों, 1000 रुपये के अब आप करते हैं, 1000 रुपये से ऊपर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको 5 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन पर आपको देना पड़ेगा चार्ज। तो दोस्तों, आपको 1000 रुपये तक कोई चार्ज नहीं देना है, यानी 1000 रुपये तक के 2.5 रुपये देना है और 20 ट्रांजेक्शन आपको बिल्कुल पर मंथ फ्री मिलेंगे। और दोस्तों, इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि एप्लीकेबल कौन कौन से में। तो दोस्तों, अगर आप UPI सेंड मनी, किसी के भी द्वारा आप UPI सेंड मनी करते हैं, जैसे गूगल पे के द्वारा, फ़ोन पे के द्वारा, किसी के नंबर पे आप अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। और किसी भी व्यक्ति को आप अगर फंड ट्रांसफ़र करते हैं बैंक में IFSC कोड के थ्रू तो भी आपको दोस्तों ये चार्ज देना पड़ेगा। और VPA यानी अपनी ये UPI ID के थ्रू करते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस होता है दोस्तों, उसके थ्रू करते हैं तो भी आपको ये चार्ज पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उसके बाद ये हुआ है चार्जेस फॉर ट्रांजेक्शन डन बियॉन्ड 20 पर मंथ, यानी कि आप 20 के बाद जो भी करोगे। और उसके बाद ये हुआ है दोस्तों, कोई इसमें लिखा है यूजिंग बैंक और थ्रू एनी थर्ड पार्टी ऐप, यानी बैंक और किसी भी थर्ड पार्टी ऐप से आप अगर ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो कि B2B ट्रांजेक्शन, यानी बैंक टू बैंक या IFSC कोड के थ्रू फंड ट्रांसफ़र करते हो तो दोस्तों आपको उसके ऊपर चार्ज देना पड़ेगा। और इसमें नीचे लिखा हो दोस्तों, नो चार्जेज आर एप्लीकेबल फॉर मर्चेंट पेमेंट्स और ऑनलाइन शॉपिंग ट्रांजेक्शन और बिल पेमेंट्स। तो दोस्तों, इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपका कोई भी मर्चेंट है, जैसे दुकानदार है, मर्चेंट है, और ऑफलाइन उसके QR कोड पे अगर जाके आप कोई भी UPI से पेमेंट करते हो तो उसका आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये क्लियर इसमें नीचे लिखा हुआ है दोस्तों, आप इसमें पढ़ सकते हो नो चार्जेज। तो दोस्तों, इसमें आप देख लेना, ये PDF शेयर कर दूंगा। और दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो आप, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट्स, कोई मोबाइल रिचार्ज करते हो UPI के द्वारा, तो दोस्तों आपको कोई भी चार्ज इसमें एप्लीकेबल नहीं है। आपको ओनली फॉर B2B यानी बैंक टू बैंक अगर ट्रांसफ़र करते हो और गूगल पे, फ़ोन पे के थ्रू आप अगर UPI के थ्रू किसी को बैंक खाते में अगर पेमेंट भेजते हो तो उसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा, वो भी पर मंथ 20 ट्रांजेक्शन के बाद में। तो दोस्तों, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं, अगर SBI बैंक की बात की जाए दोस्तों, जैसे गवर्नमेंट बैंक है, जैसे प्राइवेट बैंकों ने चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया दोस्तों, और SBI और जैसे पंजाब नेशनल बैंक है दोस्तों, इनका चार्ज अभी तक बिल्कुल भी नील है दोस्तों। इनके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो बिल्कुल भी फ्री है, इनसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री कर सकते हो। अभी तक इनका कोई जो अभी चार्जेस का रूल नहीं आया है दोस्तों, इन फ्यूचर कोई आएगा तो हम ज़रूर हमारे चैनल पर अपडेट ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा और हमारे वीडियोस देखते रहिएगा। तो दोस्तों,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।